गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फॉरेस्ट क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ आर्ष अग्रवाल मैथ सॉल्यूशन फॉर क्लास 8। जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब 1B का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तब बने रहिए हमारे साथ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमारा जितना भी नंबर लाइन है जैसे हम लोग डिनोट करते हैं, मान लीजिए एक नंबर लाइन है उस पर कहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है उसको क्या करना है, डिनोट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है -1/3। ठीक है, -1/3 कहाँ पे आ रहा है नंबर लाइन पे लिखना है। तो नंबर लाइन हमारा ये है, मान लीजिए 0 है, ये -1 है, ये +1 है। तो -1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 अगर डेसिमल पे देखें तो ये 0 -0.333 आएगा। ठीक है, और ये -0.33 जो आ रहा है तो नंबर लाइन पे हमारा कहाँ पे आएगा, 0.33। ये -1 और 0 के बीच में आएगा। ठीक है, तो -1 और 0 के बीच में कहीं आएगा बीच में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, -1/3। तो इसे क्लियरली हम लोग नंबर लाइन पे शो कर देंगे और हम लोग इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ देखिए। ठीक है, -1/3 क्या है, -1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। ठीक है, -1 से ज़्यादा है और 0 से कम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं -1 और 0 के बीच में आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे इजीली डिनोट कर सकते हैं कि भाई आपका जो पॉइंट है 0 और 1 के -1 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -3/4। -3/4 उसको भी नंबर लाइन में डिनोट करेंगे। तो -3/4 क्या है, -3/4 ग्रेटर देन 1-1 है और <0 है। ठीक है, तो इसका कहाँ से आएगा, ये भी -1 और 0 के बीच में आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग इसके बीच में डिनोट कर देंगे। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर है, सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, -1/2/3। -1/2/3 भाई ये क्या गड़बड़ हो गया, अब ये क्या कह रहा है, -1/2/3। तो -1/2/3 हमारा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो 3 × 1 कर लेंगे हम लोग, +2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -5/3। ठीक है, तो -5/3 को डिनोट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, -5/3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको -5/3 क्या आ जाएगा, माइनस रहने दीजिए, 5/3 हमारे क्या आ जाएगा, 1.666 आएगा कुछ। तो ये -1.6 नंबर लाइन किसके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो -1 और 2 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनोट कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर पर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, -3/1/7। तो इसमें भी कर लेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। -3/1/7, तो ये 3 × 7 + 1 कर लेंगे बाय 7, तो ये हो जाएगा 22 + 1, 21 + 1 यानी -22/7 आ जाएगा। तो ये -22/7 जब आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि भाई ये जो -22/7 है इसका मतलब क्या है। इसका अगर डेसिमल फ्रैक्शन में देखेंगे तो ये 3 - 3.1 कुछ आएगा, तो ये किसके बीच में आ रहा है, -3 और -2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये -3 और -2 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ दिखा देंगे इसको, तो इसको हम लोग ये क्वेश्चन में यहाँ पे गलत किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन में 27 दिया हुआ है, 23 दे दिया है। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार अच्छे से, ये 27 है पर कुछ मिसप्रिंट हो गया इसमें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है -3/1/7। तो ये -3/1/7 जब करेंगे हम लोग तो ये -22
बाय सेवन आएगा, तो ये माइनस थ्री बाय पॉइंट वन कुछ आएगा, यानी कि माइनस थ्री और फोर के बीच में ही रहेगा। देख बाई थ्री किया है इसने, गलत किया है, ये यहाँ पे सेवन है नीचे और ये दो डेसिमल में थ्री नहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ पे सेवन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस थ्री और माइनस थ्री पॉइंट वन। तो माइनस थ्री पॉइंट वन हमारा क्या है, चार माइनस फोर और माइनस थ्री के बीच में आएगा कहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे अच्छे से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री और टू के बीच में, ये यहाँ पे डिनोट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, इसके लिए ये सेवन आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो डिनोमीटर है हमेशा सेवन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ नंबर, माइनस फोर इज टू थ्री बाय फाइव। तो माइनस फोर, फाइव इंटू फोर करेंगे प्लस थ्री करेंगे, तो आ जाएगा ट्वेंटी प्लस थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री बाय फाइव। हाँ ये ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, यह माइनस ट्वेंटी थ्री बाई फाइव क्या करते हैं, माइनस फाइव है और लेस देन माइनस फोर है, तो ये किसके बीच में आ जाएगा, माइनस फाइव और माइनस फोर के बीच में आ जाएगा। हम लोग इसको यहाँ दिखा देंगे कि भैया ये यहाँ पे नंबर लाइन पर यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिक्स नंबर, माइनस टू इज टू फाइव बाई सिक्स। इसका फाइनली हमारा क्या जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस फाइव माइनस सेवनटीन बाई सिक्स, माइनस सेवनटीन बाई सिक्स क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन माइनस टू। तो ये इसके किसके बीच में आ जाएगा, माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में, तो हम यहाँ दिखा देंगे। चलिए ओके, थर्ड नंबर उसके बाद हमारा क्या है, सेवन्थ नंबर, माइनस थ्री, माइनस थ्री बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस माइनस थ्री पर जाके पॉइंट दे देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए सेवन नंबर क्या कह रहा है, एट नंबर, माइनस टू सेवन बाई एट, माइनस टू सेवन बाई एट को कैसे करेंगे, एट टू जाए सिक्सटीन प्लस सेवन, तो माइनस ट्वेंटी थ्री बाई एट हो जाएगा। तो माइनस ट्वेंटी थ्री बाई एट का हमारा सॉल्यूशन क्या जाएगा, ये जो हमारा है माइनस ट्वेंटी थ्री बाई एट, ये माइनस थ्री से क्या है, ग्रेटर देन है और लेस देन माइनस टू है, तो हम इसको माइनस थ्री और टू के बीच में दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन आज का फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय।